आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वन। और देखिए फ्रेंड, अभी आपको हम लेके आए जेएससी का ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे देख पा रहे जेएससी का ऑफिशियल साइट है, और इसी ऑफिशियल साइट पे और एक नया नोटिस अभी अभी पब्लिश हुआ है, जो कि आपका जेएससी सीजीएल को लेके है। तो जेएससी सीजीएल ने क्या नोटिस जारी किया है और ये किसके लिए है, क्या एग्ज़ाम कैंसिल का नोटिस है या फिर आपका रिजल्ट आने का नोटिस है, इस वीडियो में जानेंगे यही सारे चीज़ अभी हम लोग। और आपको दिखाएंगे ये नोटिस कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं खुद से भी, और या फिर आप अगर डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक हम दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे जितने भी अपडेट आते हैं सारे आपको वहाँ पे अपडेट दे दिया जाता है, सबसे पहले आप वहाँ से अपडेट ले सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं। तो देखिए, इसका ऑफिशियल साइट है यही जेएससी का। इस ऑफिशियल साइट पे आप गूगल क्रोम में सर्च कीजिएगा खुद से भी और आ जाइएगा इस साइट पे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे व्हाट्स न्यू पे आप आइएगा। यहाँ पे व्हाट्स न्यू पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारा नोटिस यहाँ पे आपका इस तरह से स्क्रॉल होते जा रहा है। तो इस पर आपको व्यू ऑल पर क्लिक कर देना है, जो भी नोटिस आपको देखना है। उसके बाद व्यू ऑल पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका नोटिस, जितने भी नोटिस पब्लिश हुआ सारे नोटिस यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो इसके पहले और एक नोटिस आया था आपका पर्यवेक्षक का, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसको लेके, वो भी हम इसी चैनल पे अभी डाल दिए हैं। वो नोटिस आप लोग वो नहीं देखें तो वो भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहे हैं या फिर चैनल पे जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे जेएससी का जो सीजीएल एग्ज़ाम हुआ था उसको लेके, जो नोटिस पब्लिश हुआ उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये नोटिस आप लोग सेकेंड नंबर पर जो नोटिस यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसको आप लोग को क्लिक करना है, इसको डाउनलोड करना है। और इसको जैसे डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद ये आपका पीडीएफ के फॉर्म में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे और एक बार आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे और एक लिंक दे दिया जाता है इस तरह से। आपका यहाँ पे लिखा नोटिस रिगार्डिंग डेट एक्सटेंशन ऑफ लिंक फॉर एक्सेप्टिंग ऑब्जेक्शन ऑफ आंसर की ऑफ JGGLCCE 2023। तो इसको हम लोग डिटेल से जानने के लिए इस पर जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे इसका पीडीएफ पे, इस तरह से ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप लोग यहाँ पे देख पाइएगा ये कब का नोटिस है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये नोटिस पब्लिश हुआ झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा इसको लेके। तो आप लोग को पता है इसी एग्ज़ाम को लेके अभी रोज़ धरना प्रदर्शन चल रहा है, जेएससी के ऑफिस में भी घेराव चल रहा है, और इस एग्ज़ाम को कैंसिल कराने के लिए सभी स्टूडेंट लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़े तौर पर यहाँ पर धांधली देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक जो है इसमें एग्ज़ाम जब होने के पहले पेपर का जितने भी क्वेश्चन आया हुआ था वो क्वेश्चन वायरल हो गया था, सभी स्टूडेंट के पास आ गया था। ऊपर से इसमें एक ही एग्ज़ाम का बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे घटना है जिसको देख के आप लोग को खुद पता चलेगा कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें बहुत बड़ा धांधली हुआ। तो इसको लेके प्रोटेस्ट भी चल रहा, लेकिन जेएससी मान नहीं रहा और अपना धड़ाधड़ नोटिस पे नोटिस दिए जा रहा है। पहले तो आंसर की जारी कर दिया, उसके बाद अभी नोटिस दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं ये नोटिस क्या है। तो देखिए, आवश्यक सूचना बोल के ये नोटिस है और यहाँ पर दिनांक देख रहे हैं, आज के डेट में ये नोटिस है। अब पूरा नोटिस को हम लोग पढ़ते हैं आराम से और देखते हैं क्या कहा गया इस नोटिस में। तो आप भी आराम से इसको देखिए और सुनिए। देखिए, लिखा है दिनांक 21/9/2024 से 22/9/2024 तक आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक प्रतियोगिता संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित उत्तर कुंजी आयोग के वेबसाइट JSSC.NIC.IN पर प्रकाशित की गई है। यानी कि यहाँ पे जो आपका जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था 21 को और 22 को, उसका जो आपका आंसर की है वो जो है जेएसएससी का ऑफिशियल साइट पे डाल दिया गया, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि यहाँ पे उत्तर कुंजी आपका उक्त उत्तर कुंजी के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने के लिए लिंक आयोग के वेबसाइट JSSC.NIC.IN पर दिनांक 28/9/2000 को प्रकाशित की गई थी। यानी कि आपका जो इसमें उत्तर कुंजी में अगर आपका कोई आपत्ति दर्ज कराना है तो उसके लिए लिंक दिया गया था 28/9/2024 को प्रकाशित किया गया था। उसके बाद उसमें कहा गया कि आप लोग आपत्ति अपना दर्ज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है गलत है तो। उसके बाद आगे कह रहा तीसरा नंबर पर, लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने की तिथि को दिनांक 2/10/2000 तक विस्तारित किया जाता है। यानी कि 28 तक आपका जो आपत्ति दर्ज करने का टाइम दिया गया था उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि बढ़ा दिया गया है, और इसको अभी 2/10/2024 तक कर दिया गया।
यानी कि आप लोग जो है इसका आपत्ति कल तक दर्ज करा सकते हैं, 2/10/2024 तक आप लोग इसका आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद लिखा है कि उक्त तिथि के पश्चात एवं अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि इस तिथि के बाद आपका जो भी आपत्ति होगा वो दर्ज नहीं किया जाएगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। तो इसमें इस नोटिस में अभी इतने कहा गया है। और आप लोग अगर जेएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो भी इसका कार्य चल रहा है, उस पर आप लोग संतुष्ट है तो कमेंट में यस लिखिए, नहीं है आपको अगर बंद कराना है जेएससी का ये जो एग्ज़ाम हुआ इसको रद्द कराना है तो आप लोग क्या कीजिए, वहाँ पे लिख के भेजिए कमेंट में कि जेएससी का ये एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे जो नोटिस पब्लिश हुआ था, जो भी अपडेट आ रहा है जेएससी की तरफ से, हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं वो लोग से आग्रह है कि आप लोग जो है प्रोटेस्ट करते रहिए, क्योंकि जब तक आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक ये लोग मानेंगे नहीं। क्योंकि इन जितने भी अभी देखें कल का डेट में ही जो जितने भी स्टूडेंट को बुलाया गया था जेएससी का सचिव की ओर से, तो वहाँ पर वो कुछ भी मान नहीं रहे स्टूडेंट का बात को, वो अपना ही बात सबको समझा रहे हैं। तो लगता नहीं कि इनका मनसा है कि कैंसिल करेगा एग्ज़ाम, इसीलिए आप लोग जो है लगे रहिए इसको कैंसिल कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ी हुआ है, सबको पता है। तो चलिए और कोई अपडेट आता तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें और भी अपडेट पाने के लिए।